किसान आंदोलन में शुरू से ही सक्रिय रही पंजाबी एक्ट्रेस सोनिया मान की आंखों में आंसू छलक आए, जिसके बाद उन्हें किसान नेता राकेश टिकैत ने शांत करवाया। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, इसमें राकेश टिकैत सोनिया मान के सिर पर हाथ रखकर उन्हें चुप कराते दिख रहे हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी जाते वक्त सोनिया मान को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिससे वो बेहद आहत नजर आई। सोनिया ने सोमवार को इसका वीडियो पोस्ट किया। इसमें दिख रहा है कि पुलिस ने उनके काफिले को रोका। इंस्पेक्टर स्तर के एक पुलिसकर्मी उनकी कार में बैठ गए, जबकि सोनिया बार बार कह रही हैं कि आप इस कार में नहीं बैठ सकती। इस पर पुलिस वाले कहते नजर आ रहे हैं कि आपकी सुरक्षा करने की पुलिस वालों की जिम्मेदारी है। नहीं, आप सर, आप मेरी गाड़ी में नहीं बैठ सकते, प्लीज, बिना परमिशन। क्यों बैठना पड़ेगा? नहीं, मैं नहीं नहीं बैठ सकते सर, आप मेरी गाड़ी में नहीं बैठ सकते, ऐसे नहीं बैठ सकते मैडम। सुरक्षा के लिए इसके बाद वो सोनिया को एक बिल्डिंग में ले गए और वहाँ नजर बंद रखा। सानू अजे तक नहीं पता कि असीं कित्थे जा रहे हैं। मेरे नाल अगे पुलिस आ, ओ अगे नाल जा रही है, मेरे नाल पीछे पुलिस आ, तुसीं देख सकते हो, और पता नहीं असीं कित्थे जा रहे हैं। एंड दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, डिक्टेटरशिप है कि आपको जबरदस्ती बिना वारंट के कहाँ लेके जा रहे हैं वो भी नहीं बता रहे, और रोक भी नहीं रहे गाड़ी, पूछते हैं तो बोलते हैं पीछे पीछे आओ, कुछ नहीं बता रहे हैं। धक्के से गाड़ी में बैठना, यूपी जाने से रोकना, और बताना भी नहीं कि कहाँ पे लेके जा रहे हैं। ये डिक्टेटरशिप है, ये डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया में, क्या जहाँ पे आप कहीं पे जाओ और जहाँ पे मर्जी आपको बिना मतलब पे रोक लिया जाए, और आपको कहाँ लेके जा रहे हैं पता नहीं। नहीं दास्ते पे वीरे, नहीं दास्ते पे। पुलिस की गड्डी का नंबर है UP25AG0665। बता दे कि सोनिया मान शुरू से ही किसान आंदोलन में सक्रिय है और लंबे वक्त से संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़ी हुई है। मोर्चा के ज्यादातर कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी रहती है। सोनिया मान ने दावा किया था कि लखीमपुर हिंसा में किसान को गोली मारी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत तरीके से बनवाया गया। सोनिया मान ने कहा था कि लखीमपुर हिंसा में मारे गए गुरविंदर की कान के पास गोली के निशान थे।